है वो आपको बता दें, आतंकवाद को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन एक बार फिर बेनकाब हुआ है। चीन ने आतंकी का समर्थन किया है, जिसके बाद भारत ने चीन को आईना दिखाया और आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सबूत पेश कर दिया। यूएन में मुंबई हमले के दौरान रिकॉर्ड किए गए आतंकी साजिद मीर का ऑडियो भी चलाया। ऑडियो में आतंकी मीर आतंकियों को लोगों को मारने के आदेश दे रहा है। चीन ने लश्कर तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति की बैठक में आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। भारत इसका सह प्रस्तावक था। साजिद मीर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है। तो यहाँ पर आतंकी साजिद मीर को चीन ने बचाया, वीटो का इस्तेमाल किया है, तो एक बार फिर से चीन बेनकाब हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड है साजिद मीर, और जिसका ऑडियो भी सामने आया था, जो रिकॉर्ड किया गया था किस तरीके से वो आतंकियों को निर्देश दे रहा था, ये ऑडियो सभी ने सुना भी था। तो 26/11 एक ऐसा मामला जिसने भारत को जख्म दिया, दर्द दिया, और जब भी इसके आरोपियों को, दोषियों को कोई बचाने की कोशिश करता है, वो हमारे दुश्मनों के लिस्ट में पहली कतार में होता है। और यही हरकत की है इस वक्त चीन ने, और 26/11 हमले के मास्टरमाइंड को का उसने बचाव किया है। अब आपको 26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाते हैं कि कैसे मुंबई को दहलाने वाले आतंकियों को वो आदेश दे रहा था। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा जिस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम सीधा रुख कर लेते हैं। नीरज, अब जो सबूत पेश किया गया है भारत की तरफ से, उससे स्पष्ट है कि चीन झूठ बोल रहा है, और वीटो पावर का इस्तेमाल जो चीन की तरफ से किया जा रहा है वो भी गलत है। देखिए, साजिद मीर के खिलाफ पुख्ता सबूत के बावजूद चीन की तरफ से ब्लॉक किया गया। पहले भी कई आतंकवादी को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के अमेरिका और भारत के प्रयासों पर चीन ने रोक लगाई है, लेकिन बाद में भारत और अमेरिका कई बार सफल भी हुए। दूसरी अहम बात यह है कि भारत की तरफ से यह साफ साफ कहा गया कि निजी हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह से किया जा रहा है, और खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से पहले इस तरह के चीन की पहल पे कहा जा चुका है, विदेश मंत्री की तरफ से कहा जा चुका है कि यूएन सुरक्षा परिषद में का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। कोई गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म, गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं होता। और साजिद मीर के बाद चीन एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जो डेजिग्नेशन यानी ग्लोबल टेररिज्म में, ग्लोबल टेररिस्ट में अमेरिका और भारत का विश्वास है, वो अपने आप में बताता है कि साजिद मीर ग्लोबल टेररिस्ट है। ठीक है नीरज, फिलहाल शुक्रिया। अमेरिका और भारत के संबंध को देखकर चीन ये हरकत करेगा, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान भी यही कदम उठाते रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने यूएन में मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा और आतंकी साजिद मीर का ऑडियो बकायदा सुनवाया। चीन को कैसे निशाना साधा और कहा क्या कुछ उन्होंने, सुना देते हैं आपको। वो साजिद मीर, अ वेरी ड्रेडेड टेररिस्ट हु डायरेक्टेड द टेररिस्ट from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally. तो चीन ने एक बार फिर 26/11 हमले में शामिल लश्कर ए तैयबा के आतंकी साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में अड़ंगा लगा दिया है, जिसके बाद भारत ने चीन को ऑडियो सबूत के साथ आईना दिखा दिया है। साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है। साल 2008 में मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। करीब 5 दिन चले इस हमले में 166 से ज्यादा नागरिकों की जान चली गई थी। और इसके पहले भी चीन साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में रोड़ा बन चुका है। तो पीएम मोदी का अमेरिका दौरा शुरू होते ही चीन को हाई वोल्टेज झटका लगने लगा है। चीन इस दौरे से पहले से ही चिढ़ा बैठा था, अब उसे भारत और अमेरिका दोनों की ओर से एक के बाद एक बड़ा झटका लग चुका है। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो क्या सुनाया, मिर्ची और लगी।
इस वीडियो पर चीन ने वीटो लगाकर ग्लोबल आतंकी घोषित होने में अड़ंगा लगाया था। भारत के इस कदम के बाद चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। आतंकवाद को लेकर चीन की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो गई। इधर अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन किए ने चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह की संज्ञा दे दी और ये भी चीन के लिए किसी झटके से कम बिल्कुल नहीं है।